मैं एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश जारी होगा। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है, और इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के नाम होता रहा है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि कई बार उन्होंने देश को संबोधित किया है, और आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये संदेश। अब ये संदेश क्या होगा आपको बता दें, पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। जब भी वो देश को संबोधित करते हैं, इसी तरह से ट्वीट करके जानकारी दी जाती है कि वो देश को संबोधित करने वाले हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिल रही है, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन राष्ट्र के नाम, ये ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। अब ये संबोधन में क्या हो सकता है, अब इसको लेकर कोई भी कयास लगाना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मौकों पर हमने देखा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते रहे हैं। और आपको याद होगा कोरोना काल में जब ये शुरुआत हुई थी कोरोना महामारी की, उस वक्त भी उन्होंने देश को संबोधित किया था और लॉकडाउन लगा दिया गया था। ये देखिए, ये है पीएम का ट्वीट, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़े। विल बी शेयरिंग अ मैसेज विद माय फेलो सिटीजंस एट 6 PM दिस इवनिंग। ये अभी अभी उन्होंने ट्वीट किया है, 2 मिनट पहले, ये 1:02 का ये ट्वीट है, और राष्ट्र के नाम संदेश। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, किसको लेकर ये संबोधन होगा, अब से ये कयास जरूर लगाने शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब ये 6 बजे क्या संदेश होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी, जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था कि राष्ट्र के नाम वो संबोधित करेंगे। रात 8 बजे वो उनका संबोधन था, और उसमें लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने ये कोरोना काल के दौरान ही एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन जारी किया, और अब ये शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी जो अभी अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें एक बार फिर से बता दें, ये प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन ट्वीट कर जानकारी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये 1:02 पर ये उनका ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे। और इस वक्त हमारे साथ आरएसएस समर्थक संगीत रागे भी हैं। संगीत रागे जी, हालांकि हमारी बहस तो किसी और मुद्दे पर हो रही थी, लेकिन आप ये इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, राष्ट्र के नाम संबोधन होगा प्रधानमंत्री मोदी का शाम 6 बजे। अब बहुत जल्दबाजी होगा हालांकि कयास लगाना, लेकिन ये संबोधन भी पूरे देश की नजर रहेगी, क्या बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत बड़ी खासियत है, और कि वो सिर्फ चुनाव में ही जनता से नहीं जुड़ते हैं। ये जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब से मैं बार बार उनकी पॉलिटिक्स को, यदि आप देखेंगे, वो हमेशा सतत जनता से जुड़ते हैं। मन की बात उस श्रृंखला का हिस्सा है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये जो बार बार देश को संबोधन करने की बात है, वह भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मुद्दों को देश के सामने रखना चाहते हैं। क्या मामला है, चाइना से संबंधित है, किसी अन्य मामले से संबंधित है, कहना, कयास लगाना अभी बहुत मुश्किल काम है। देख, दूसरी बात, दीपिका सिंह राजावत पर जो बात चली थी, मैं बहुत गंभीरता से कुछ बातें कह रहा हूँ। देखिए, भारत के अंदर भारत को तोड़ने की शक्तियाँ एक बराबर काम कर रही हैं, उसमें वो इस्लामिस्ट हैं, उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, बाहर की ताकतें हैं, वो देश के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं हिंदू समुदाय के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना। जी संगीत रागे जी, आप दीपिका राजावत को लेकर जो विवादास्पद ट्वीट था, उस पर तो हम ये चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन ये जानकारी अब और बहुत ही महत्वपूर्ण हमें मिल रही है, जो हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं अहम मुद्दों पर। नोटबंदी को लेकर आपको याद होगा उन्होंने ऐलान किया था, इसी तरह से उन्होंने ट्वीट किया था, और रात 8 बजे ये उन्होंने जानकारी दी थी नोटबंदी को लेकर। उसके बाद कोरोना काल में भी हमने देखा है कि उन्होंने राष्ट्र के नाम ये संबोधन किया था, जिसमें लॉकडाउन लगा दिया गया था। उसके बाद भी कई बार उनका संबोधन हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा मौके ही रहे हैं जब उन्होंने राष्ट्र के नाम ये संबोधन जारी किया है।
और ये मुद्दे अलग अलग रहे हैं, लेकिन आज अब इस बात को लेकर अब क्या हो सकती है वो महत्वपूर्ण बात जो वो लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, अब इसको लेकर सब अपने अपने कयास लगाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन शाम 6 बजे ये आप याद रख लीजिए, ये टाइम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एड्रेस रहता है हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का, और वो ट्वीट कर इस बारे में पहले ही लोगों को बता देते हैं। अब ये जो संबोधन है वो शाम 6 बजे होने वाला है, तो 6 बजे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, उस वक्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो आपसे वो साझा करेंगे। अब ये क्या बातें हो सकती हैं इसको लेकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले हमने देखा जितने महत्वपूर्ण ऐलान उन्होंने किए हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर रहे हैं, लेकिन ये शाम 6 बजे अब ये जो राष्ट्र के नाम संदेश होने वाला है उसमें क्या अहम बातें रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देशवासियों के साथ अपना संदेश साझा करूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और लोगों से अपील भी की है कि आप शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़िए। अब वो क्या बात है जो वो साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ, अब वो अभी भी क्या कोरोना को लेकर है, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर है, या कुछ और अहम ऐलान हो सकते हैं, लोगों को राहत देने के लिए कोई ये महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है, अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी मन की बात तो कई बार करते हैं, लेकिन अब क्या कहने वाले हैं एक उनका हमेशा एक सरप्राइज पैकेज रहता है। अब लोग जो कयास लगाते हैं वो किसी और लाइंस पर होता है, लेकिन जो ऐलान होता है वो कई बार बिल्कुल एक तरह से सरप्राइज वो दर्शकों को देते हैं। तो अब ये शाम 6 बजे क्या घोषणा हो सकती है, क्या वो महत्वपूर्ण जानकारी है जो वो साझा करना चाहते हैं, इस पर सबकी नज़र है। और वो कह रहे हैं कि ये देखिए, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप ज़रूर जुड़ें। विल बी शेयरिंग अ मैसेज विद माई फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग। तो आज शाम 6 बजे ये प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। अब देश की बेहतरी के लिए क्या कोई एक कदम उठाया जा सकता है, या कुछ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये कदम का ऐलान हो सकता है, अब ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इससे पहले भी जितने संबोधन हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा निकल कर आई है दर्शकों के लिए। अब आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 6 बजे वो क्या जानकारी देने वाले हैं, क्या साझा करेंगे दर्शकों के साथ, ये अब देखने वाली बात होगी। तो देशवासियों के साथ अपना संदेश साझा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वो ज़रूर उनके साथ जुड़ें। तो 6 बजे ये संबोधन होगा। इससे पहले भी वैसे जब उन्होंने संबोधन अपना दिया है अक्सर रात को 8 बजे वो चुनते हैं, लेकिन इस बार ये जो उनका संबोधन है वो शाम 6 बजे होने वाला है। तो पीएम मोदी की अपील कि शाम 6 बजे वो देशवासियों से रूबरू होंगे और राष्ट्र के नाम ये संबोधन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें वो रख सकते हैं। अब वो महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है ये कहना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगा, लेकिन अपील ज़रूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि वो देश के नाम ये संदेश जारी करेंगे, और सभी देशवासियों से वो अपील कर रहे हैं कि देशवासी उनके साथ जुड़ें इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो ये संदेश साझा करेंगे देशवासियों के साथ, और जब जब उन्होंने इससे पहले राष्ट्र को संबोधित किया है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर,
वो देशवासियों से रूबरू हुए हैं और शाम 6 बजे ये आप भी डायरी में एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ये वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण, शाम 6 बजे आप ये क्या संदेश जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस पर हमारी नजर रहेगी। प्रेजेंटिंग दी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।